देश भर में जितने भी राज्य हैं वहाँ से लोग सिर्फ यहाँ आते हैं IPS, IAS, UPSC क्लियर करने के लिए। पापा ने जब भेजा यहाँ पे तो क्या बोल के भेजा था? IAS बन के आना। पढ़ाई में बहुत खर्चा हो गया, लोन वगैरह हो गया था, तो पहले जॉब कर ली मैंने, तो उसके बाद जब लोन वगैरह सारा खत्म हो गया मैं फिर तैयारी करने के लिए चला आया। अगर किसी पॉलिटिशियन, किसी नेता, किसी बिजनेसमैन का बेटा बैठ जाएगा ना यहाँ तो उसे सांस नहीं आएगी। उसमें ये लोग सपना देख रहे हैं कि कल ये देश संभालेंगे। इतने परेशानी के बाद यहाँ पे रहने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? पापा ने इतना मतलब सोच रखा है, वो खेती भी करते हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा है, तो हमें भी थोड़ा मतलब खुद देख के मोटिवेट हो जाते हैं पापा को, मम्मी पापा को। तो फैमिली से सपोर्ट है या फिर खुद काम भी करते हैं? ना खुद से ही है, अभी फैमिली से नहीं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर तो किसान है, पहले मैं जॉब करता था। नमस्कार, झलको दिल्ली में जुड़ चुके आप मेरे साथ, मैं हूँ आयुष। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं ना, वो जगह ऐसी वैसी नहीं है, ये देश में सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स देने वाली जगह है, या फिर कहें देश भर में जितने भी राज्य हैं वहाँ से लोग सिर्फ यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आते हैं IPS, IAS, UPSC क्लियर करने के लिए। अंदर चलते हैं और चल के दिखाते हैं कि आखिर किस स्थिति में देश में IAS, IFS ऑफिसर बनते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा हम बात किसकी कर रहे हैं। ये मुखर्जी नगर है, दिल्ली का मुखर्जी नगर, वही मुखर्जी नगर जहाँ अभी हाल ही में आपने 12th फेल जैसी मूवी भी देखी, जहाँ पर दिखाया कि देश के IPS, IAS ऑफिसर जो होते हैं वो संघर्ष से निकलते हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं और जल के देखते हैं कि किस तरीके से देश के IFS और IPS ऑफिसर्स किन मुश्किल परिस्थितियों को पार करके यहाँ से निकलते हैं। ये एक रूम है, एक बार रूम का दृश्य दिखाइए पहले। ये आप देख रहे हैं, ये इनका किचन है, इसमें खाना बनता है, यहाँ पे बैठ के ये पढ़ रहे हैं। तीन जन एक कमरे में रहते हैं। कितना बड़ा कमरा होगा ये? 8x10 का मुश्किल से। देख लीजिए आप क्या अवस्था रहती है। अगर किसी पॉलिटिशियन, किसी नेता, किसी बिजनेसमैन का बेटा बैठ जाएगा ना यहाँ तो उसे सांस नहीं आएगी। उसमें ये लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें ये लोग सपना देख रहे हैं कि कल ये देश संभालेंगे। स्टडी टेबल दिखाइए, इतनी छोटी रूम है, यहाँ 2 स्टडी टेबल है केवल। बीच में यहाँ पे किताबों का बाड़ है, साइड में भी किताब, रखने को सामान नहीं, एक अलमीरा तक नहीं है। और लोग कंप्लेन करते हैं कि जीवन कठिन हो चुका है, इससे ज़्यादा कठिन होता है क्या आपका जीवन? चलिए आइए और ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं इस वक्त देश के होने वाले IAS, IFS ऑफिसर्स। आइए अंदर आइए, ये देखिए जी, एक बार स्टडी टेबल दिखा दीजिए, कैसे सपना बुना हुआ है इन दीवालों पर, कैसे आस्था जो भगवान में है वो अभी भी अटूट है और तैयारी पूरी ज़ोरदार है कि शायद आज नहीं तो कल एक दिन वो आएगा जब ये देश की कमान संभालेंगे। देख सकते हैं भारत के इतिहास से लेके, विश्व भूगोल से लेके, यहाँ किस तरीके से पूरा रैक बना हुआ है, लोग रह रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम दिनेश है सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं राजस्थान का रहने वाला। राजस्थान से रहने वाले हो? हाँ। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे 1.5 साल हुआ है। लगभग 1.5 साल हो गया। और UPSC की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या सपना क्या है आपका आगे चल के? IAS बनना, बस IAS बनने का सपना है। जी सर। दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं आप? दिन में 8-9 घंटा हो जाता है, कोचिंग भी होती है क्लास। मतलब कोचिंग के बाद 8-9 घंटा? हाँ। अलग से? और कोचिंग कितने घंटे होती होगी? 2.5 घंटे की। अनुमान लगा जाए तो 10-12 घंटे निकल जाते हैं। 10-12 घंटे निकल जाते हैं। एक बार इधर आइए, इनका ये पूरा किचन है, सेटअप है इनका, किचन का सेटअप दिखाइए। ये चावल देखिए, ये चावल आपके लिए ना शायद मुश्किल से 2 या 3 दिन होगा, यानी ये पूरा महीना निकालना है इसमें। ये हालात देख रहे हैं ना जब आप, ये देखिए चीनी है, ये कितनी ज़्यादा है, एक दिन आप इसमें नहीं निकाल सकते। ये लोग कितने कितने बारिश से पी लेते हैं, और मजबूरी नहीं है जी कोई इनकी, ये भी चाहे तो अपने घर पर रह के 3 टाइम आराम से पी सकते हैं, खा सकते हैं, मज़े कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ। क्या इस रूम का रेंट क्या है? 8,500 रूम का रेंट है, लाइट बिल अलग से। 8,500 रूम का रेंट और लाइट बिल अलग से। हाँ। महीने का लगभग कितना खर्चा हो जाता होगा? महीने का 15,000 आसपास। 15,000 रुपये खर्चा हो? अभी टंकी लेके आए, उनके 600 रुपये लेके आए। अच्छा। 5 KG करवाया। ये कितने दिन चलता होगा? ये महीना, एक महीना आसपास। एक महीना चलता है? हाँ। ये और किन किन तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ रहते हैं तो? अभी मतलब इधर गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है। गर्मी तो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी में भी पड़ना होता है, जैसे अभी पानी की भी इधर बहुत मतलब वो है, तो बाहर से मंगवा, पीने के लिए मंगवा, इनका भी 60 रुपये लेते हैं। इनका भी लेते हैं? और ये आपको दे के जाते हैं ऊपर? हाँ, ऊपर तक दे के जाते हैं।
ये बताइए, इतने अटेम्प्ट्स हो गए, इतने परेशानी के बाद फिर भी यहाँ पर रहने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? घर पे भी देखना पड़ता है, फैमिली वाले, पापा ने इतना मतलब सोच रखा है, वो खेती भी करते हैं। पापा तो खेती करते हैं? हाँ, तो उन्होंने हमें यहाँ तक भेजा है, तो हमें भी थोड़ा मतलब खुद देख के मोटिवेट हो जाते हैं, पापा को, मम्मी पापा को। मम्मी पापा के लिए हो रहा है। घर में कितने लोग हैं आप लोग? घर में तो हम तीन लोग हैं, जैसे भाई है, भाभी, मम्मी पापा है। पापा ने जब भेजा यहाँ पे तो क्या बोल के भेजा था? कुछ नहीं, के बस आप पढ़ो और आईएएस बन के आना। आईएएस बन के आना? हाँ, उनको मतलब वो तो अनपढ़ है तो इतने जानते नहीं है कि आईएएस वाईएएस क्या होता है, सब बस उनको यही पता है कि जॉब चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या उम्र है आपकी अभी? मेरे अभी 23 साल। 23 साल की उम्र है? अच्छा, तो अभी तो वोट की वजह से आपका पोस्टपोन हो चुका है। 16 तारीख 16 जून को अटेम्प्ट देने वाले हो? अच्छा, तो तैयारी हो गई है पूरी? मतलब हो गई है, अभी कोचिंग भी चल रही है। कोचिंग भी चल रही है साथ में? अच्छा, चलिए आगे आते हैं, ऊपर भी चलते हैं और भी लोग से बात करते हैं। ऐसे ही नहीं, देश को आईएएस और आईएफएस ऑफिसर मिलते हैं जो संभालते हैं, इन सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जी सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? सोनू। पढ़ रहे थे अभी आप? जी। स्टडी टेबल दिखा दीजिए यहाँ पे भी। ये रूम देखिए, ये रूम कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है जी। ऐसे रूम में ना एक्चुअल जब आप कोठी बंगले बनाते हैं ना, तो ये सब रूम में ना आप अपने सर्वेंट्स को रखते हैं, सर्वेंट्स क्वार्टर बोला जाता है इसे एक तरीके से, ठीक है। ये छोटी सी रूम में जहाँ अगर मैं जैसे 6 फुट से कम का हूँ, अगर मैं ठीक से लेटूँ ना तो फिर मेरे पास बस इतना जगह बच जाएगा कि मैं अगले दिन उठूँ, उठ के यहाँ पे आके बैठूँ, पढ़ाई करूँ और फिर उठ के यहाँ पे आके लेट जाऊँ। ये सामने इनका वॉशरूम है। वॉशरूम की अवस्था पहले एक बार दिखाइए। देखिए कितनी बड़ी वॉशरूम मिल रही है यहाँ आपको। किचन का हाल देख लीजिए एक बार। इतना बड़ा किचन है, इतना बड़ा किचन है ना कि यहाँ पे एक आदमी भी ठीक से खड़ा होकर खाना बना सकेगा या नहीं बना सकेगा। किचन में ही सूटकेस वगैरह रखा गया है, उसी के बीच कहीं खाने का भी सामान दबा दिया गया है। ये ऊपर देख लीजिए राशन, कितने दिन का राशन होगा भैया ये? एक हफ्ते का लेते हैं, फिर संडे मार्केट से दोबारा ले लेते हैं। दोबारा जाके ले लेते हैं। कितने लोग रहते हैं ऐसे? दो लोग रहते हैं जी। और यहीं पे दो लोग एडजस्ट भी हो जाते हैं? अब करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, चॉइस नहीं है। क्या ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं आप? कितने साल हो गए लगभग आपको? लगभग 1 साल हो गया मुझे। 1 साल हो गया आपको यहाँ पे रहते रहते। आपने अपने जैसे और कई लोगों को देखा होगा जो इस भीड़ में होंगे और मतलब वही चाहे कि बस किसी दिन यूपीएससी क्रैक हो जाए। आपका क्या मन है, क्या बनने का? मैं यूपीएससी में, मेरे को आईआरएस का मेन आईआरएस ऑफिसर बनना है। जनरली मैं आईएएस और आईपीएस इतना सुनता हूँ और तीसरे नंबर पे आईएफएस आ जाता है। आईपीएस में मेरा हाइट नहीं है। ओके। और आईएएस के लिए मेरे पास ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है, तो मेरा सिलेबस पूरा होते होते ही मेरा एज मतलब हो जाने वाला है, तो मेरा मतलब ये है कि 1-2 अटेम्प्ट मेरे को मिलेंगे बस। अच्छा, मेरे पे ज़्यादा एज, मैं लेट से आया तैयारी करने। क्या क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र 30 है। 30 है और लास्ट एज लिमिट की 32 है? हाँ जी 32। और शायद अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते तो फिर और शायद मौके नहीं, इसमें एक्सटेंशन नहीं है एज के लिए, इसमें एक्सटेंशन और स्टेट के लिए रहेगा, फिर स्टेट में रहता है 38-40 तक। अच्छा, और यहाँ पे आपको मतलब महीने का कितना खर्चा पड़ जाता है? महीने का खर्चा हम दो लोग रहते हैं तो लगभग 12,000, लगभग 10-12,000 पड़ जाता है। 12,000 हो जाता है। हाँ, तो फैमिली से सपोर्ट है या फिर खुद काम भी करते हैं? न, खुद से ही है अभी, फैमिली से नहीं। फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मतलब काम भी करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, उसके बाद भी शिकायत नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ सब्सिडी देना शुरू कर दे आप लोगों को, हाँ जी, जिससे आप लोगों की थोड़ी सहायता हो जाए, तो क्या लगता है कितना पैसा मिलेगा तो सब चल जाएगा ठीक? वैसे तो चलिए मिले तो जो भी है कम से कम, पर ये है कि जो भी मिले पैसे जैसे 7-8 हज़ार मिल जाए जी। लेकिन सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा पैसा ना भी मिले तो कम से कम यहाँ पे जो रेंट बहुत हायर साइड है। ओके। और पूरा रेंट है आपका ये? इसका रेंट 9,000 रुपये है, बिजली अलग से 5 रुपये पर यूनिट। और ये है कि कम से कम अगर रेंट थोड़ा यहाँ पे कम रहे जी, तो थोड़ा सही रहे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम रेंट का ही रहता है। हाँ। आधा बजट रेंट में चला जाता है। अच्छा, और दो लोग रह लेते हैं तो चलिए ठीक है, थोड़ा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वरना अकेले में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एक बार दीवार दिखा दीजिए। दीवार पे गड़ा हुआ है कि किस उद्देश्य से, किस मंशा से और किस लगन के साथ यहाँ लोग लगे रहते हैं दिन रात एक करके, चाहे वो स्टॉपवॉच हो, ये
आंसर्स लिखने के लिए रहता है ना कि आप कितने टाइम में आंसर लिख देते हैं आप लोग। स्टॉपवॉच हो गया, ये लैंप हो गया, या फिर ये कौन सी किताब है एक बार देखा जाए, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इतिहास भूगोल ना जाने कुछ बचता नहीं है शायद, मुझे लगता है सब पढ़ना होता है। बिल्कुल। और उसके बाद भी ये स्माइल है चेहरे पे। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर तो किसान हैं। किसान हैं जी। केजरीवाल जी, मोदी जी और जितने भी बड़े नेता हैं या फिर इस एरिया के जो भी आपके सांसद विधायक जो भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आके इनकी हालत देखिए। यहाँ आपके जैसे पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ लाखों करोड़ों के इनकम वाले लोग नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ एक महज किसान का बेटा बैठ रहा है। और जो बिजली फ्री रहती है, जो पानी फ्री रहती है ना, उसके जगह अगर आप इनके लिए कुछ फ्री करेंगे ना, तो एक तो दुआ भी मिलेगा, दूसरा वोट भी मिलेगा। आपने मतलब इससे पहले भी कहीं काम वाम किया है या फिर? हाँ, पहले मैं जॉब करता था, तो फिर उसके बाद फिर बीच में जॉब छोड़ के फिर मैंने तैयारी शुरू की। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि हाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं? पहले करना था, लेकिन चूंकि पढ़ाई में बहुत खर्चा हो गया, लोन वगैरह हो गया था, तो पहले जॉब कर ली मैंने ताकि वो लोन वगैरह सेटल हो जाए। तो उसके बाद जब लोन वगैरह सारा ख़त्म हो गया, मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सेविंग्स हैं और मेरे पास समय है कुछ, तो मैं फिर तैयारी करने के लिए चला आया, जॉब छोड़ दी मैंने। क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी घर की, और पिताजी कैसे पैसा देते, बहन की शादी भी होनी है, तो लोन एजुकेशन लोन ख़त्म करके फिर मैं इधर चला आया। एजुकेशन लोन वगैरह? हाँ, कॉलेज का पूरा, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाई बहुत महंगी है इस वजह से। दवाएं भी रखी हुई है, किस चीज़ की दवाएं हैं? एक्चुअली तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है या मेरे को पहले से प्रॉब्लम है, तो उसकी दवा है। अच्छा अच्छा, एक बार ये अंबार दिखा दीजिए किताबों का। ये किताब ना गवाह है कि कई बार दूसरों के लिए, परिवार के लिए जीने में ना आप अपनी जवानी कुर्बान कर देते हो, आपकी जवानी ख़त्म हो जाती है। आप लोग दो जन यहाँ पे रहते हो, मिल बांट के रह रहे हो, खर्चा वर्चा सब कर रहे हो, चलिए ठीक है, पर क्या कमी है अभी भी इस जगह में? क्या दिक्कत, असली दिक्कत क्या है अगर मैं पूछूँ तो? यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ये मकानों का है, कि मतलब जैसे कुछ हॉस्टल टाइप का कुछ व्यवस्था अगर हो, भले गवर्नमेंट हो, भले मेरिट पे हो, उससे भी काफ़ी हेल्प होगा। गवर्नमेंट एटलीस्ट ये तो कर सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है? हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में है, बट जैसे वैसे नहीं है अदर देन दैट कि जैसे कोई कॉम्पिटिटिव उसके लिए हो। पानी की समस्या होती है? पानी तो ऑफनली कभी जैसे एमसीडी का सप्लाई कट हो गया तो होती है, अदरवाइज पानी आता रहता है। आपके लिए बोलना बहुत आसान होगा कि ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, ऑफिसर्स ये करते हैं, ऑफिसर्स वो करते हैं, घूसखोरी करते हैं, पर जो इतनी मेहनत से निकल के जाता है ना जी, वो करप्शन पे ध्यान नहीं देता है। वो ये देखता है ना कि कल अगर मेरे जैसा कोई यूपीएससी का बंदा, कोई आईएएस एस्पिरेंट जब यहाँ पे पढ़ रहा है ना, तो उसको ये दिक्कत ना हो। जब भी वोट दीजिएगा ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आज जैसे जिन लोगों से हमने बात किया, वैसे लोगों के लिए खड़ा कौन होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपका क्या ड्रीम है और आपने क्या क्या सैक्रिफाइस कर दिया अपने ड्रीम के लिए। झलको दिल्ली के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आयुष, बने रहिए हमारे साथ।